भारतीय कप्तान विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या के टीवी शो पर महिलाओं को लेकर की गई अनुचित टिप्पणी के मामले में प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं के बीच शुक्रवार को कहा कि वह इससे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि टीम के पास रविंद्र जडेजा के रूप में विकल्प मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज में जीत से उत्साहित भारतीय टीम पांड्या और लोकेश राहुल के मैदान के बाहर गतिविधियों के कारण सुर्खियों में है। दोनों ने एक टीवी शो में महिला पर विवेक टिप्पणी की, जिसपे उनके दो मैच का निलंबन का खतरा मंडरा रहा है। कोहली ने शनिवार को खेले जाने वाले पहले मैच की पूर्व संध्या पर कहा, भारत में हम वेस्टइंडीज के खिलाफ एक उंगली के स्पिनर और एक कला के स्पिनर के साथ खेले। हमारे लिए अच्छा है कि जडेजा की तरफ के खिलाड़ी मौजूद हैं, जो ऐसी स्थिति में हम हरफन बोला की भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक टीम के तौर पर ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा टीम में संतुलन बनाने की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हम ऐसे खिलाड़ियों को टीम में रखते हैं जो जरूरत पड़ने पर बल्ले और गेंद का योगदान देने के मामले में दूसरे से अलग है। कोहली ने कहा कि वह टीम इंडिया के मौजूदा संयोजन से खुश है और 30 मई से इंग्लैंड में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम में ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं करते। भारतीय कप्तान ने कहा, वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास अब ज्यादा मैच नहीं बचे, इसलिए हम लगभग उसी टीम के साथ खेलना चाहते हैं जो कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप में खेले। जसप्रीत बुमराह का मामला अलग है, उन्हें टेस्ट मैच के भार को देखते हुए विश्राम दिया गया है। उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि हम टीम संयोजन के बारे